चाहिए था कि वो कौन सा परिंदा जिसके सर पर पैर है। तो इसका जवाब है, हर परिंदे के सर पर पैर होते हैं। लड़कियों के बड़े हों तो अच्छे लगते हैं और अगर लड़कों के बड़े हों तो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसका जवाब था बाल और नेल्स। नेल्स और बाल अगर लड़कों के बड़े हों तो बहुत ही बुरे लगते हैं, लेकिन लड़कियों पे बहुत सूट करते हैं। परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। चिमगादड़, थोड़ा सा सोचो, चिमगादड़ ही है। और इस वीडियो में जो हमने सवाल किया था वो ये था कि वो क्या चीज है जो एक अंधा भी देख सकता है। तो इसका जवाब है अंधेरा, क्योंकि अंधा अंधेरा ही देख सकता है और तो कुछ देख नहीं सकता। इसी के साथ अब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आज का जो मैंने सवाल पूछा था वो ये था कि वो कौन सी जगह है जहां आप दूसरों को गुस्से में जाने का कहते हैं तो वो नहीं जाते, लेकिन अगर वो आपको जाने का कहते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो इसका जवाब है भाड़ में जाओ, क्योंकि अगर आप गुस्से में किसी को कहेंगे तो वो नहीं जाएंगे और वही बात वो आपको कहेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। उम्मीद करती हूँ हमारे क्या है जो गर्मियों में बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में छोटे, तो उसका जवाब है दिन। दिन गर्मियों में बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में छोटे हो जाते हैं। कि आपने हाथ में इसे संभाला, इसने आपको पेट में डाला, तो इसका जवाब है आईना। इसी के साथ अपनी मेजबान एस्टर में सवाल मेरा ये था कि वो कौन सी मिठाई है जो फल भी है और फूल भी। इसका जवाब है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो ऐसा कौन सा इंसान है जो बेहिसाब कत्ल कर दे तब भी उसको सजा नहीं मिलती। अगर इसका जवाब है, इसका जवाब है जल्लाद जो के फांसी देता है। अगर इसका जवाब है जल्लाद जो के फांसी देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन क्या है जो सबके पास होता है, किसी के पास कम होता है तो किसी के पास ज्यादा होता है, इसका जवाब है टैलेंट। टैलेंट सबके पास होता है, किसी के पास ज्यादा होता है तो किसी के पास कम होता है। टैलेंट मारने का आसान तरीका क्या है, तो इसका जवाब है स्केल और पेंसिल से आराम से लाइन मारी जा सकती है। इसी के साथ अब लड़की के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर एक दो माह बाद तब्दील होता रहता है, और इसका जवाब है आईब्रो। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को जित पड़ी मैं खुश पड़ा। इसका जवाब है चप्पल और पाँव। इसी के साथ अपनी मेजबान सवाल किया था वो ये था कि वो कौन सी उंगली है जिसमें हड्डी नहीं होती, तो इसका जवाब है ग्लव्स। ग्लव्स की उंगली की हड्डी नहीं होती। कि वो क्या चीज है जिसे जितना मारो उसे कुछ नहीं होता लेकिन हमें मजा आता है। ये है कि वो क्या चीज है जिसे जितना मारो उसे कुछ नहीं होता लेकिन हमें बहुत मजा आता है। बेशतर लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, वो है ढोल। ढोल को बजाएं या मारे तो हमें बहुत मजा आता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर वक्त गीला ही रहता है। अगर आप भी जवाब जानते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट दिया कि वो है जुबान। जुबान ही है जो हर वक्त गीली रहती है। और उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये है कि वो क्या चीज है जो अगर ना मिले तो हाथ से काम चलाना पड़ता है। सवाल ये था कि वो क्या चीज है जो ना मिले तो हाथ से काम चलाना पड़ता है। इसका जवाब है चम्मच। चम्मच ना मिले तो हाथ से काम चलाना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आज की जिसे जितना खींचो वो उतनी छोटी होती जाती है। अगर आप बहुत ही आसान है, जवाब है इसका सिगरेट। सिगरेट जो है हमारी न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा यूज करती है और पहले के लोग भी बहुत ज्यादा सिगरेट यूज करते थे जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आज का मेरा सवाल ये है कि वो क्या चीज है जो एक बार फट जाए तो दोबारा सीख नहीं सकते। अगर आप भी जवाब सवाल आज का मेरा ये है कि वो कौन सा फल है जो बहुत मीठा होता है लेकिन इसका कोई दरख्त नहीं होता। अगर आप भी जवाब जानते तो नीचे दिया था उसका जवाब है सबर का फल। सबर का फल ही है जो बहुत मीठा होता है और इसको कोई दरख्त भी नहीं होता। आसान था आज मैंने सवाल किया था वो ये था कि वो कौन सा इंसान है जो अपने कस्टमर को दूर ले जाता है और फिर उनसे पैसे लेता है, तो वो है ड्राइवर। ड्राइवर है जो इंसान को दूर ले जाता है और फिर उनसे पैसे लेता है यानी किराया लेता है। सीखा है यानी सवाल ये है कि मिर्ची कहाँ लगती है, कहाँ लगती है मिर्ची। अगर आप जवाब दिए सवाल हमारा ये था कि मिर्ची कहाँ लगती है, वो जहाँ आप सोच रहे हैं वहाँ भी लगती है। इसका जवाब मैं आपको बता दूँ कि मिर्ची जो है वो बाग में लगती है या पौधे में लगती है। उम्मीद करती हूँ आसान है। आज का सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी चीज है जिसे जितना ठंडा कर लो वो फिर भी गर्म ही रहती है। अगर आप जवाब है गर्म मसाला। गर्म मसाला
जाती है। अगर कौन सी आपकी चीज है जो नहाने से छोटी होती जाती है, तो ये तो इसका जवाब है साबुन। साबुन नहाने से छोटा होता जाता है। कि वो क्या है जिसने हमेशा आना होता है लेकिन आता नहीं है। अगर आप हमारे और हमारे सवाल का जवाब है टुमारो, यानी आने वाला कल, जिसने हमेशा आना होता है लेकिन आता नहीं है। सवाल आज का मेरा ये है कि इंसान का वो कौन सा हिस्सा है जो नहाने से गीला नहीं होता। अगर आप बहुत ही आसान था और लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया, इसका जवाब है साया। साया है जो नहाने से गीला नहीं होता। उम्मीद करते आसान है। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी दो गोल गोल सी चीजें जो औरत में आती है मर्द में नहीं आती। अगर आप कौन सी चीजें जो औरत में आती है मर्द में नहीं आती, तो इसका जवाब है नुक्ते। औरत में दो नुक्ते आते हैं, मर्द में दो नुक्ते हैं। देखते हैं कि लोग इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि वो कौन सी चीज है जिसमें हर लड़की एक बार उंगली डालना जरूर पसंद करती है। अगर आप भी पसंद करती हैं या उंगली डालना चाहती हैं, तो मेरे सवाल का जवाब था अंगूठी। और बहुत सारे लोगों ने इसको एंजॉय भी किया। और सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज है जो औरत दिखा के और मर्द छुपा के चलता है। तो आइए जानते हैं। जवाब लोगों को मालूम था वो है लेडीज पर्स, क्योंकि लेडीज दिखा के चलती है और मर्द छुपा के चलते। और जो मेरा दूसरा सवाल था उसका जवाब था टी बैग, जो कि किसी को नहीं पता था, तो जो कि बहुत मजेदार है। तो आज का हमारा सवाल ये कि वो क्या चीज है जो आपके अंदर जो सुकून मिलता है, मजा आता है, मगर आप उसके अंदर जाए तो आप मर भी सकते हैं। अगर आप अब ये था पानी जो आपके अंदर जो सुकून मिलता है, मगर आप इसमें जाओ तो मर सकते हैं। हजार बार भी पूछूंगा तो आप उसका मुख्तलिफ ही जवाब दोगे। वो कौन सा सवाल है जो मैं आपसे हजार बार भी पूछूंगा तो आप उसका मुख्तलिफ ही जवाब दोगे। इसका जवाब था टाइम। सवाल करिए, दुनिया में ऐसी कौन सी आवाज है जो आप नहीं सुन सकते लेकिन दूसरे सुन लेते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी आवाज है जो आप नहीं सुन सकते लेकिन दूसरे सुन लेते हैं। आपने कहा पता नहीं है, तो मैंने कहा भी पता लगा लूं, कितनी कॉमन सेंस।